क्रियाकलाप 8। इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको 2 बीकर, 2 कीप, 2 परख नलियां, हाइड्रिला का पौधा, काला कागज, 1 बाल्टी पानी की जरूरत होगी। हाइड्रिला समेत उपकरण चित्र के अनुसार जमा लें। ऐसे 2 उपकरण के सेट जमाएं। 1 सेट को धूप में और 1 सेट को काले कागज से ढककर छांव में 3-4 घंटे के लिए रख दें। समय समय पर अवलोकन करते रहें। काला कागज इस प्रकार ढकें कि उपकरण पर किसी भी तरफ से प्रकाश ना पड़े। धूप में रखे हुए उपकरण में 1/2 परख नली भर गैस इकट्ठा हो जाए तो पूरे उपकरण को बाल्टी भर पानी में रखते हुए परख नली को कीप के ऊपर से हटा लें व अपने अंगूठे से उसके मुंह को ढक दें। अब परख नली को सीधी करके अंगूठा हटाकर उसमें तुरंत सुलगती हुई अगरबत्ती डालकर गैस का परीक्षण कीजिए। क्या अगरबत्ती तेजी से जल उठी? ऐसा क्यों हुआ होगा? परख नली में कौन सी गैस इकट्ठी हुई? याद कीजिए आपने इस प्रकार पिछली कक्षाओं में कौन सी गैस का परीक्षण किया था। किस उपकरण सेट में ज़्यादा गैस इकट्ठी हुई और क्यों? हमने इस प्रयोग में पाया कि धूप में रखने से हाइड्रिला पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऐसा ही इंगिन हाउस ने भी पाया था। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि धूप में पौधों में कुछ जटिल पदार्थ जैसे स्टार्च, ग्लूकोज आदि भी बनते हैं। धूप में ऊर्जा होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग कर पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस व कुछ जटिल पदार्थ जैसे ग्लूकोज, मंड आदि बनाते हैं। सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्माण को वैज्ञानिक संश्लेषण एक साथ लाना कहते हैं। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसी से लगभग सारे भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो मनुष्य समेत लगभग सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है। अधिकांश भोज्य पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से ग्लूकोज होता है। पानी से तो केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही मिलती है, तो कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज के लिए कार्बन अणु कहाँ से उपलब्ध होते हैं? इस सवाल का जवाब 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के शुरुआत में किए गए प्रयोग से प्राप्त हुआ। वैज्ञानिक तब यह दर्शा पाए कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः कार्बन और पानी से बना होता है एवं कार्बन का स्रोत हवा का एक अवयव कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा जाए तो हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस प्रकाश ऊर्जा बराबर भोजन प्लस ऑक्सीजन। NCO2 प्लस NH2O प्लस प्रकाश ऊर्जा बराबर CnH2O होल N प्लस NO2, जहां N अणुओं की संख्या है। N का मान 6 हुआ तो यह समीकरण क्या होगा तथा भोजन के रूप में कौन सा कार्बनिक पदार्थ बन रहा है? सभी सजीवों में दिन रात चलने वाली श्वसन की प्रक्रिया का समीकरण हमने इस अध्याय में पहले भी पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के समीकरणों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। एक में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से मुख्य रूप से ग्लूकोज बनता है। दूसरे में ग्लूकोज के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड व पानी बनता है और इसमें रासायनिक ऊर्जा अन्य प्रकार के ऊर्जा में बदलती है जिसका उपयोग सजीव अपने जैविक क्रियाओं के संचालन में करते हैं। हम यह जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया सभी सजीव कोशिकाओं में निरंतर चलती रहती है। क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों की सभी कोशिकाओं में होती है?
19वीं सदी से ही इस दिशा में शोध शुरू हो गया था और वैज्ञानिकों ने पाया कि पौधों के सिर्फ उन्हीं उत्तकों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है जिनमें हरित लवक होते हैं। हरित लवकों के हरे पदार्थ को इसी दौरान क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम कहा गया। 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के पश्चात पौधों के हरित लवक के अंदर के उन भागों का भी अवलोकन किया गया जहां प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। वैज्ञानिकों ने अभिरंजक तकनीकों की मदद से ये भी पाया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी के अणुओं से ऑक्सीजन मुक्त होती है और ये प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। जितने पानी के अणुओं की जरूरत होती है उनमें से लगभग आधे अणु प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के अंत में निकल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज बनने की रासायनिक अभिक्रिया को हम इस तरह समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O पर्णहरिम सूर्य का प्रकाश प्रकाश ऊर्जा बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। आप भी हरित लवक को देख सकते हैं।